हर कोई चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरी बॉडी में किसी तरह का कोई रोग ना हो। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? हम बदलना बिल्कुल नहीं चाहते। हम आपको कई ऐसे बदलाव बताते हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप कभी रोगी होंगे ही नहीं। जैसे कि पानी से जुड़े हुए छोटे छोटे नियम, चाय ना पिए, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती, हमारी आंख ही नहीं खुलती। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है, आपकी जिंदगी है। जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा, क्योंकि कहते हैं जैसा होगा हमारा अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा खाएंगे वैसा आपका दिमाग और शरीर होगा। अब आपकी चॉइस है आपको क्या खाना है। आज हम आपको बताने वाले हैं चाय पीने के नुकसान, सुबह चाय पीने के सबसे गहरे नुकसान। दरअसल चाय पीने से 80 से भी ज्यादा रोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो बचपन से चाय पीते हैं और हमें तो कोई बीमारी हुई ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि चाय पीने से डायरेक्टली नुकसान नहीं होता, चाय पीने से ऐसी इनडायरेक्ट बीमारियां होती हैं। क्योंकि चाय से एक बीमारी, उस बीमारी से अगली बीमारी और अगली से फिर अगली बीमारी। किस तरह से? जिस तरह से मोटापा, मोटापा होने से अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा का सीधा कारण मोटापा है, ना कि आपका खाया हुआ खाना। तो इसी तरह से चाय पीने से कई बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर तो आप चाय से जुड़ी हुई बीमारियां जानना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं कि हम चाय पीना छोड़ दें, तो प्लीज इस वीडियो को देखें। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर इस पैसे से चाय खरीदते हैं, फिर चाय से नुकसान और उस नुकसान के लिए दवाइयां खरीदते हैं, डॉक्टर की फीस पर खर्च करते हैं, हॉस्पिटल्स पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों, अगर इतनी मेहनत से पैसा कमाकर डॉक्टर्स को ही देना है तो क्यों मेहनत करनी? तो दोस्तों, आप ही हैं जो घर में राशन लेकर आते हैं, आपके घर के मेंबर्स वही बनाते हैं जो आप लेकर आते हैं। अगर आप चाय की पत्ती लाएंगे नहीं तो घर में चाय बनेगी नहीं। तो ब्लेम किसी दूसरे को ना करें, खुद को करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चाय पीने के क्या नुकसान है, स्पेशली सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं तो खाली पेट हमारे पेट में कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस बन रखे होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि लीवर में बाइल जूस बन रखा होता है, क्योंकि रात को सोते समय हमारी बॉडी सारा खाना डाइजेस्ट कर लेती है और उसके बाद नए जूसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ताकि जब हम सुबह उठें तो कुछ खाएं और हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले। तो ऐसे में जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी कुछ खाने पीने को मांगती है, ताकि वो उससे एनर्जी ले सके। लेकिन हम क्या करते हैं, उठते ही हम चाय पी लेते हैं। अब ये चाय एसिडिक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एसिड है। तो जब हम चाय पीते हैं तो पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, हमारा पूरा ब्लड एसिडिक हो जाता है, और ब्लड एसिडिक होने से पित्त से जुड़े हुए ढेरों रोग हो जाते हैं। इंसान को 80 तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह उठते ही चाय नहीं पीते तो हमारा सिर दर्द करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय में कैफीन होता है, कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने से ये हमारे सिर दर्द को ठीक कर देता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि सिर दर्द होता क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं चाय नहीं पी रहे इसलिए सिर दर्द है, सिर दर्द इसलिए नहीं है। दरअसल चाय पीने से आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण से बॉडी में खून कम हो जाता है और खून की कमी होने से सिर दर्द होता है। तो आपकी बॉडी में सिर दर्द क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी है। लेकिन जब आप चाय पीते हैं तो टेम्परेरी बेसिस पर ये आपके सिर दर्द को ठीक करता है, लेकिन आपकी बॉडी में खून की कमी को तो नहीं ठीक करता। तो आपकी बॉडी सिर दर्द से ग्रसित रहती है, इसलिए नेक्स्ट डे फिर आपका सिर दर्द, शाम को फिर सिर दर्द। तो अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में सिर दर्द को पैदा करता है और सिर दर्द से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो चाय पीने से माइग्रेन भी हो जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बचपन से चाय पी रहे हैं और हमें तो कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय पीने से हमें 80 से ज्यादा रोग होते हैं। तो आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी बीमारी ना हो। कोई व्यक्ति सिंपल कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, तो कोई व्यक्ति गंभीर कैंसर जैसी बीमारी से परेशान है। हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज है, हर दूसरे तीसरे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत से लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है, और आप कहते हैं कि चाय पीने से नुकसान ही नहीं होता। दोस्तों, आप चाय को एक बार छोड़कर देखिए, मैं कहता हूं आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब आप चाय की जगह पर सुबह उठकर बहुत कुछ ऐसा है जो पी सकते हैं। सुबह उठकर सिंपल आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पी सकते हैं, पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। ऐसी ढेरों चीजें हैं जिनको आप सुबह खाली पेट पीने से कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं कि चाय नहीं छोड़ते।
दोस्तों चाय पीने से जो गंभीर बीमारियां होती हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पेट में एसिडिटी बन जाती है। आपने देखा होगा आपको कभी कभार गले में एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, ये चाय के कारण ही तो है। इसके अलावा आपने देखा होगा पेट में भारीपन रहता है, आपकी बॉडी में पेन रहता है। ये क्यों है? क्योंकि चाय पीने से पेट में गैस बनती है और ये गैस हमारे पेट को भारी करती है। ये गैस हमारी बॉडी में दर्द पैदा करती है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस जिसे हम गठिया कहते हैं, ये बीमारी भी चाय पीने से ही होती है। अगर आप कहें कि चाय पीने से ये बीमारी नहीं होती तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि चाय पीने से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है जिस कारण से हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमता है जिस कारण से जोड़ घिसने लगते हैं और आपकी बॉडी में दर्द पैदा होता है। तो अर्थराइटिस का कारण भी आपका चाय पीना ही है। इसके अलावा चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि हमारा खून एसिडिक होने से हमारे बालों की जड़ें नष्ट होने लगती हैं, बाल कमजोर होने लगते हैं, तो बाल झड़ने का कारण चाय पीना है। चाय पीने से किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि गुर्दे में पथरी हो जाती है। बहुत से लोग आजकल गुर्दे की पथरी से परेशान हैं, बहुत से लोगों को इस कारण से ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये सोचिए, ये गुर्दे की पथरी इंसान को ही क्यों होती है, किसी जानवर को क्यों नहीं होती? क्या किसी जानवर के किडनी नहीं लगी? किडनी तो सभी जानवर को है, लेकिन दर्द इंसान को ही होता है, क्योंकि इंसान गलत खाता है, इंसान एसिडिक चाय पीता है, जिस कारण से ये एसिडिक चाय हमारी किडनी स्टोन्स का कारण बनती है। दरअसल चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है और इस गंदे खून की सफाई का काम किडनी ही करती है, क्योंकि किडनी का काम ही यही है, खून की सफाई करना। अब इस गंदे खून को साफ करते करते बेचारी किडनी खुद गंदी हो जाती है, जिस कारण से ये गंदगी किडनी में स्टोन यानी कि पथरी के रूप में जमा हो जाती है और हमें दर्द होता है और ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो चाय पीना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप चाय पीते रहेंगे तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती रहेगी। क्योंकि डॉक्टर आपको ये कहेगा कि आपको किडनी स्टोन्स है तो दालें खानी छोड़ दो, राजमा खाने छोड़ दो, लेकिन दोस्तों आपको हर चीज वो छोड़नी होगी जो आपको एसिड पैदा करती है, क्योंकि एसिड होने से ही आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चाय पीने से इंसान मोटा भी होता है। हम इस चीज को समझते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आजकल का डाइट प्लान ये कहता है कि जो इंसान ज्यादा कैलोरीज खाता है वो इंसान ज्यादा मोटा है, जो इंसान कम कैलोरीज इंटेक करता है वो पतला है। ये बात सब जगह लागू नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ढेर सारी कैलोरीज खाते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, फिर भी पतले हैं। तो फिर वहां ये साइंस कहां गई? ये साइंस हर जगह पर लागू नहीं होती। चाय पीने से इंसान मोटा होता है क्योंकि इंसान का मेटाबॉलिज्म रेट घटता है, सेम उसी तरह जिस तरह से थायराइड की बीमारी में इंसान मोटा हो जाता है। थायराइड की बीमारी में इंसान ने तो ज्यादा खाना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी मोटा हो गया। कारण है थायराइड में भी मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है, जिस कारण से इंसान मोटा हो जाता है। तो अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो चाय पीना छोड़ना ही होगा। चाय छोड़कर देखिए, हर महीने आपका 5 से 10 किलो वजन बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज के कम होने लगेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ने लगेगा। दोस्तों छोटे छोटे चेंजेस जिंदगी में लाकर हम बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। चाय पीना छोड़ दें, आप कैंसर से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों चाय पीना कुछ मामले में अच्छा भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय हर मामले में बुरी है, लेकिन जो चाय हम पीते हैं और जो चाय हम सुबह खाली पेट पीते हैं वो बुरी है। खाली पेट कोई चाय नहीं पीनी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है, दूध और चीनी में बनी हुई चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी, पूरे दिन में कभी नहीं पीनी। चाय आप पी सकते हैं खाना खाने के आधा या एक घंटा बाद, लेकिन कौन सी चाय? जो चाय बिना दूध के और बिना सफेद चीनी के बनी हो। अब आप कहेंगे ये चाय बनेगी कैसे? पानी के अंदर थोड़ी सी पत्ती उबाल लीजिए, पानी को छान लीजिए, उसके अंदर एक चम्मच शहद का मिलाइए और इसका सेवन कीजिए, जिस तरह से आप कोई काढ़ा पीते हैं। इस तरह से पी हुई चाय हमें कैंसर से बचाती है, एक डिटॉक्स एजेंट का काम करती है, हमारे खून को साफ करती है। इसी तरह से चाय फायदा भी करती है, लेकिन आजकल हम चाय को गलत ढंग से बनाकर पीते हैं। जो चाय हम बनाकर पीते हैं वो नुकसानदायक है, वो जहर है। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको बताना, अब ये आपका काम है इस चीज को जीवन में लागू करना। हम तो आपको पानी से जुड़े हुए भी कई नियम बताते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो अपलोड की थी कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत से लोगों के कमेंट आए कि ठंडा पानी पीने से हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, बचपन से लेकर 20-25 साल तक तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है। लेकिन जैसे ही हम 25-30 की एज पार करते हैं, उसके बाद बीमारियां निकलने लगती हैं, और ये बीमारियां आपके गलत कारणों की वजह से ही हैं। ठंडा पानी पीना, चाय पीना, एसिडिक खाना ज्यादा खाना, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खाना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कम उम्र में तो पच जाती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये पचती नहीं है। और दूसरा, कम उम्र में जब इसे खाते रहते हैं तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता रहता है, और इसका पता हमें कब चलता है? जब हम 30 की एज के पार चले जाते हैं।
तो दोस्तों आज ही अपने शरीर को संभाल लें, क्योंकि आज तो समय है जितना पैसा कमा रहे हैं उसे फ्रूट्स पर खर्च करें, स्प्राउट्स पर खर्च करें, सैलेड पर खर्च करें, अच्छी चीजें खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें। ऐसी चीजें मत खाएं जिससे इंसान बीमार होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चाय पीना छोड़ देंगे।